इसे एक दो बार हिलाकर देखती है और फिर वापस मुड़ जाती है। इधर आओ, मेरे पास टॉफियां हैं। एक शोधकर्ता जब खाने की चीजों और खिलौनों से उसे लुभाने की कोशिश करती है तो वो अपनी उलझन दूसरे शोधकर्ता को बताती है। सोलह महीने की लारा सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते वक्त एक ऐसी वस्तु का सहारा लेती है जो भरोसेमंद हो। वह अपने अनुभव से यह सब सीखती है। यह काम जरा मुश्किल लगता है, पर हर माँ बाप को चाहिए कि वे बच्चों को स्वयं सीखने की आजादी दें। बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए अभिभावकों को नियम बनाने पड़ते हैं। पर जैसे ही आप नियम बनाते हैं, वैसे ही बच्चे उन्हें तोड़कर इस बात की जांच करते हैं कि नियम कच्चे हैं या पक्के। मनोविज्ञानी माइकल लेविस ने बच्चों के झूठ के बारे में एक अनूठा परीक्षण इजाद किया। वो आज जिस बच्चे पर परीक्षण किया जा रहा है, उसकी माँ एक तरफा अन्य के पीछे छिप जाते हैं। देखो, यहाँ एक खिलौना है, मैं इसे बाहर निकालूंगी, लेकिन तुम इसे मत देखना। तुम सिर्फ सीधे सामने की तरफ देखते रहो, ठीक है? सिर मत झुकाना, झांकना भी मत। मैं इसे खोलकर अभी दिखाती हूँ, लेकिन देखना मत। मुझे कुछ लाना है, मैं हॉल में कुछ छोड़ कर आई हूँ। मैं उसे लेकर बस एक मिनट में आई, लेकिन मेरे जाने के बाद खिलौने को मत देखना, ठीक है? सीधे देखते रहो। जब मैं वापस आऊंगी तो हम खिलौनों से खेलेंगे, लेकिन मेरे वापस आने तक उसे देखना भी मत। तो बस, मैं अभी आई, पीछे मत देखना। तो तुम्हारे हिसाब से वो क्या करेगा? शायद झूठ बोलेगा। तुम सोचती हो कि वो शायद देखेगा, वो पीछे देखेगा, हाँ, फिर झूठ बोलेगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए, वो अभी तक अपना वादा निभा रहा है। देखो उसकी आंखें, देखो 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 देखो। मुझे ये तुम्हें बताना पड़ेगा कि 3 साल की उम्र के करीब 70% बच्चे मना करने के बावजूद झांकते हैं, और वो झांकते हैं और फिर ज्यादातर झूठ बोलते हैं। जारेट, तुमने पीछे देखा? नहीं, अच्छे बच्चे, अब तुम इसे खेलना चाहते हो? ठीक है, आओ खेलते हैं। आप सही थी, वो झांकते हैं और फिर झूठ बोलते हैं। वो झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि मुश्किल में वो पढ़ना नहीं चाहते। और एक तरह से ये बात ठीक भी है। हाँ हाँ। यही नहीं कि उन्होंने कुछ गलत काम किया, बल्कि ये भी कि इसके लिए उन्हें सजा मिल सकती है। तो होता ये है कि सबसे स्मार्ट बच्चा वो नहीं होता जो सच बोलता है, बल्कि दरअसल वो होता है जो इस बारे में झूठ बोलता है। हाँ, पीछे मत देखना। और ये सच है, इस उम्र में जितने ज्यादा आप चतुर होते हैं, झूठ बोलने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। जानबूझकर झूठ बोलने के लिए इन बच्चों का ये जानना जरूरी है कि प्रयोगकर्ता को ये मालूम नहीं कि उन्होंने झांका कि नहीं। क्या तुमने पीछे देखा? नहीं। नहीं, बहुत अच्छे। नहीं नहीं। झूठ बोलने के लिए बच्चों का यह जानना जरूरी है कि दूसरे लोगों के विचार उनके विचारों से मेल नहीं खाते। बड़ों की दुनिया में कदम रखने के लिए सभी बच्चों को इस दौर से गुजरना पड़ता है। हर व्यक्ति की बच्चों से अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं, इसीलिए बच्चे अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करना सीख जाते हैं। छोटे बच्चों को पता नहीं होता कि दूसरों का नजरिया उनसे अलग हो सकता है, पर बड़े बच्चे अनुभव से सीख जाते हैं कि अलग अलग लोगों का दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हमने एक छोटा सा प्रयोग किया। इसमें एक पहाड़ी बनाई गई है जिसके एक तरफ एक कपड़े का कुत्ता और दूसरी ओर एक खिलौने की चिड़िया रखी गई है। पहाड़ी इस प्रकार से बनी है कि यदि चिड़िया कुत्ते को देखना चाहे तो वह अपनी जगह से कुत्ते को नहीं देख सकती, और कुत्ता इसी तरह से चिड़िया को नहीं देख सकता। दो बच्चों को
एक 4 साल का और एक 7 साल का इस तरह खड़ा किया गया है कि वे कुत्ते और चिड़िया दोनों को देख सकें। उनसे पूछा गया, क्या चिड़िया कुत्ते को देख सकती है? 4 साल का बालक बोला, हाँ देख सकती है। पर 7 साल का बालक बोला, नहीं देख सकती, क्योंकि उन दोनों के बीच में पहाड़ी एक रुकावट बनी है। यह स्वयं केंद्रितता का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। छोटे बच्चे घटना के किसी एक पहलू पर ही ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, दूसरे पहलू पर उनका ध्यान नहीं जाता। यह उदाहरण देखिए,